उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाणक्य माने जाने वाले पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है नागपाल जी प्राइम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत क्या कारण रहे आप सपा के इतने करीबी थे सपा को आपके ऊपर बहुत भरोसा था खुद नेताजी आपकी तारीफ करते थे अचानक चुनाव दो का बिल्कुल सर पे है और अब आप बीजेपी के खेमे में चले गए देखिए प्रदीप जी राजनीति में आदमी वहीं रहता है और वहीं टिकता है जहाँ जनता चाहे जहाँ जनता पसंद करे समाजवादी पार्टी 2012 में उत्तर प्रदेश में काबिज़ हुई और हमें लगा कि जनभावना समाजवादी पार्टी की तरफ है और उसी कारणवंश 2014 में हमने सहारनपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुलायम सिंह जी के साथ में अपने हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए हमें और वहाँ पार्टी ज्वाइन कराई सहारनपुर में रैली में हमें बहुत अच्छा लगा कि इतना सम्मान दिया जा रहा है और वो सम्मान प्रत्येक व्यक्ति लेना चाहता है उसी के तहत हमें लगा कि भी चलो भाई सत्ता बर्धारी पार्टी है समाज के काम होंगे क्षेत्र के काम होंगे विकास होंगे लेकिन जैसे जैसे हम इनके साथ जुड़े हमने महसूस किया कि इस पार्टी के अंदर मात्र एक वर्ग विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसा बढ़ावा दिया जा रहा है कि दूसरे पक्ष की बात सुनी भी नहीं जा रही उससे आहत होकर हमने इस पार्टी से इस्तीफा दिया पार्टी से इस्तीफा जरूर दिया लेकिन पार्टी के अंदर जो हमारे पार्टी वर्करों से बात हुई उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इस बात को रोष है कि आपने पार्टी से इस्तीफा दिया लेकिन आप कल तक सपा के गुणगान हर तरीके से करते थे लेकिन अचानक जो है आपको सपा आपको बीजेपी के अंदर वो कौन सी क्वालिटी नजर आई क्या लगा आपको नरेंद्र मोदी जी का जादू क्या 2017 पे सत्रह पर यहाँ पर चलेगा अमित शाह बीजेपी के ऊपर आरोप है कि वहाँ से हिंदुओं का पलायन वहाँ पे से हो रहा है तो ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी के नैया पे जिस पे आप सवार हुए उसको आप पूरा पार कर पाएंगे देखिए ये स्पष्ट है कि मोदी जी जिस तरह से सरकार को चला रहे हैं देश को चला रहे हैं और संपूर्ण जो देश है हमारा आज वो मोदी जी के पक्ष में खड़ा हुआ है उसके पीछे कारण यही है कि उनकी जो दूरदृष्टि है जो दूरदृष्टि है उनकी उसके तहत मैं समझता हूँ कि जल्द ही ऐसे परिणाम सामने आएंगे कि हमारा देश उन्नति करेगा हमारा प्रदेश उन्नति करेगा हमारा गांव गरीब किसान सब उन्नति करेंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और उसी के तहत जो योजनाएं वो लेकर चल रहे हैं तमाम योजनाएं ऐसी उन्होंने शुरू की हैं जिससे कि आम आदमी का जीवन ऊपर उठेगा वो संभलेगा आर्थिक स्तर से भी और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ निहार रही है जो 265 प्लस का एक वो रखा है इन्होंने लक्ष्य मैं समझता हूँ टू सिक्सटी फाइव बहुत कम पड़ जाएगा जब चुनाव आएंगे तो ये आंकड़ा बहुत ऊपर तक जा सकता है जिस तरह से मोदी जी की लहर अमित शाह जी अमित शाह जी का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में चल रहा है अभी जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है तो सपा के लिए आपने पूरा रोड मैप आपने तैयार किया था आप जिसमें बकायदा जो ऑडिटोरियम के अंदर खुद नेताजी ने आपकी तारीफ भी की थी कि ये सारा रोड मैप जो है देवेंद्र नागपाल ने तैयार किया है क्या इस अब जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया है तो क्या बीजेपी के लिए भी आपको रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी आपको ऊपर सौंपी गई है देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंध तंत्र है और मेरे द्वारा से जो तंत्र तैयार किया गया है उसको जहां भी भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करना चाहेगी मैं उसको इस्तेमाल कराऊंगा और जहां भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए अपने तन मन और अपनी पूरी काया के साथ में जहाँ पर भी मैं उपयोग हो सकता हूँ वो काम मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए करूँगा मैंने दो के अंदर समाजवादी पार्टी का मैनेजमेंट तैयार किया था पूरा रूट मैप तैयार किया था किंतु मोदी जी की जो लहर थी उसके सामने किसी का मैनेजमेंट चल नहीं पाया और मैं समझता हूं यहां मोदी जी की लहर अमित शाह जी का मैनेजमेंट और जो केशव मौर्य जी हैं उनका जो बहुत ही बढ़िया एक आ, 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 मतलब जो कार्यशैली है और साथ में आपके ओम माथुर जी हैं हमारे संगठन मंत्री जी जो हैं अपना सुनील बंसल जी जिस तरह से बड़ी बारीकी से ध्यान रखते हुए गुंडे तत्वों को बिल्कुल पार्टी के अंदर कहीं स्थान नहीं मिल रहा है से उन लोगों को स्थान मिल रहा पार्टी के अंदर जो क्षेत्र में काम करते हो जनता का ध्यान रखते हो और जिनकी छवि साफ़ हो ऐसे लोगों को साथ लेकर जब वो चलने की जो योजना तैयार की है मैं समझता हूं कि जनता उसको पसंद कर रही है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के अंदर और बहुजन समाज पार्टी के अंदर भगदड़ मची है आज ये पार्टी सोचने पर मजबूर है भारतीय जनता पार्टी के किसको लें और किसको ना लें इसी निर्णय के तहत तमाम लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे समय आगे आएगा चुनाव के नज़दीक हम पहुँचेंगे तो इतनी भारी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे दूसरी पार्टी का कहीं जनाधार बचेगा ही नहीं आ, सपा पार्टी के अंदर और सपा पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ आप इतने दिनों तक रहे कैसी घुटन साहब फील कर रहे थे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेके पूरे शहर में सिचुएशन बहुत खराब है तो किस तरह की की घुटन आप महसूस कर रहे थे तो क्या आपने अपने अंदर की इस घुटन को अंदर की इस बात को नेताजी के सामने रखा पार्टी छोड़ने से पहले अखिलेश के सामने रखा पार्टी छोड़ने से पहले मैंने जो भी समाजवादी पार्टी के स्तंभ कहलाते हैं उनके समक्ष अपनी पीड़ा मैं कई बार रख चुका हूं। देखिए प्रदीप जी मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, बात प्रदेश की नहीं आप अगर मेरे मात्र जनपद की बात करें अमरोहा की वहाँ पर क्या गुंडागर्दी चल रही है किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है किस तरह से जनता का उत्पीड़न हो रहा है अवैध खनन हो रहा है और तमाम गुंडागर्दी वहाँ पर जो चल रही है इस टाइम वहाँ के मंत्री लोग और विधायक लोग कर रहे हैं अगर गिनवाने पर आऊँ तो सुबह से लेकर रात हो जाएगी इनके कारनामे ख़त्म नहीं हो सकते आप देखिए कि वहाँ पर कमाल अख्तर साहब हैं खाद एवं रसद मंत्री हैं तमाम जितनी भी राशन डीलरों की दुकानें हैं उन सब तमाम दुकानों के ऊपर या तो उनके भाई हैं जमाल अख्तर साहब या उनके एक साले साहब हैं नदीम भाई ये सारे लोग लगे हुए हैं कौन सा राशन डीलर कौन से वर्क का है अगर वो इनके वर्क का नहीं है और इनके पक्ष का है तो तो ठीक है वो बचेगा और इनके वर्क का नहीं है तो उस पर नोटिस भेजा जाता है नोटिस भेजने के बाद में यदि वो हाजिर हो गया इनके दरबार में आके और इनकी सेवा पानी कर दी जो अंडर टेबल चलती है आजकल सुविधा शुल्क लिया उनसे और उसके बाद वो दुकान बच जाती है अगर वो नहीं दे पाया कि किसी कारणवश तो दुकान बहाल हो ही नहीं सकती उसे सस्पेंड करा दिया जाता है बर्क खत्म कर दी जाती है दुकानें गोकशी का, का काम कमा अख्तर करवाते हैं गोकशी का, का काम आपके यहाँ अशफाक अली कराते हैं गोकशी का, का काम वहां पर महबूब अली कराते हैं ये तीनों नेता में वैसे आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं लेकिन कहीं हमारे वर्ग की बात आ जाए और हम उसको अगर न्याय दिलाने की बात करें तो ये तीनों नेता एक मंच पर खड़े हुए आते हैं और हमारे वर्ग का उत्पीड़न करते हैं अभी आप बीजेपी में आ गए हैं आप अपने समर्थकों के साथ अभी पार्टी के लिए आपको क्या टारगेट दिया गया है क्या आप भी आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी की तरफ से देखिए मैं एक आम कार्यकर्ता के रूप में हूँ और मैं पार्टी किसी शर्तों के तहत मैंने ज्वाइन नहीं की है इस आपके भारतीय जनता पार्टी के अंदर शर्तों के आधार पर ना तो किसी पार्टी को किसी व्यक्ति को लिया जाता है और ना कोई व्यक्ति को इतना बड़ा होता है प्रमाण के तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितने नीचे स्तर से काम करके आज देश के मुखिया हैं वो तो ये पार्टी ऐसी है कि यहाँ शर्तों के आधार पर कुछ नहीं आता हाँ जो जिम्मेदारी दी जाती है अगर वो जिम्मेदारी मुझे भी दी जाएगी चुनाव लड़ने की तो वो भी नहीं होगी तो पार्टी की मैं सेवा के लिए तत्पर रहूँगा पार्टी ने अगर आपको चुनाव लड़ाया बीजेपी ने और आपके सामने जब सपा होगी जिस सपा के आप इतने नजदीक रहे आप नेताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद रहा तो क्या उन नेताओं को इसी तरीके से आप कोस सकेंगे उनकी बुराइयों को उनके मुंह पे गिनवा सकेंगे क्योंकि एक तरफ आपका भाईचारा था दूसरी तरफ आप उनके आगे चुनाव अगर लड़ते हैं तो पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो देखिए राजनीति चलती है नीतियों से विचारों से और विचार नहीं मिले मेरे इनसे तभी मैं दूसरी पार्टी में आया हूं ना और पार्टी के विचार उसकी नीतियाँ कैसी हैं वो समझ में नहीं आई तभी बाहर निकला मैं और ड्राई बात कोसने की जो भी पार्टी गलत कार्य करेगी मैं उसका विरोध करूंगा चाहे वो आपकी समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई और हो तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र नागपाल जी जिन्होंने अभी थोड़ा कुछ दिन पहले ही सपा का साथ छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है और उनका साफ कहना है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपेगी वो उसके ऊपर तो खड़े उतरेंगे काम करेंगे टिकट का कोई लालच नहीं है बिना शर्त उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन किया है अब देखना यह है कि पार्टी क्या उनको भार देती है क्योंकि देवेंद्र नागपाल ही वो शख्स है जिन्होंने पूरा अखिलेश के लिए रोड मैप तैयार किया था जिसकी काफ़ी सराहना हुई थी लेकिन पार्टी ने उनकी कदर नहीं की और पार्टी के अंदर वो घुटन महसूस कर रहे थे इसलिए उन्होंने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी का मन थाम लिया है